सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने सीयूएस टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। हैदराबाद टीडीपी कार्यालय में तोड़फोड़ मामला, वाईएसआर कांग्रेस नेता गिरफ्तार। हरियाणा भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। लगना होगा सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो है शिक्षक अखिलेश यादव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हैदराबाद टीडीपी कार्यालय में तोड़फोड़ मामला, वाईएसआर कांग्रेस नेता गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के कार्यालय में साल 2021 में हुए तोड़फोड़ मामले में पूर्व सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के नेता नंदीगम सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मंगलगिरी ले जाया गया है। इसी जिले में पूर्व सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व सांसद को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची जारी होने के बाद से ही पार्टी में भगदड़ मची हुई है। पहली सूची जारी होने के बाद से रानिया, महम, थानेसर, उकलाना, पृथला, रेवाड़ी, रतिया, बाढ़रा में दंगे देखने को मिले। निवर्तमान विधायक रणजीत चौटाला ने समर्थकों के साथ बैठक की। उन्होंने पहले ही टिकट कटने की स्थिति में बगावत का संकेत दे दिया था। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापल ने टिकट कटने के बाद पार्टी के प्राथमिक की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो है शिक्षक अखिलेश यादव। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर समाज में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित किया जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षक दिवस से पहले शिक्षकों की दयनीय दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आज की तारीख में अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो शिक्षक है। हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। सपा प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि अब तक जितने शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी अब तक उतनी नहीं हो पाई है। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNSUSTV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNSUSTV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।